संविधान 40A ही पढ़ा जाएगा, महिलाएं पढ़ेंगी, SC ST पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक पढ़ेंगे, OBC पढ़ेंगे, और यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज भी पढ़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज तभी इस देश का शासक बन पाया जब पहला शासक वही बना संविधान लागू होने के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ब्राह्मण और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। वो ब्राह्मण जब ही बन पाए शासक जब भारत का संविधान लागू हुआ, नहीं तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण कभी इस देश का शासक नहीं बना। इसलिए ब्राह्मणों को भी हमने अपील की, चिट्ठी भेजी कि अमेरिका ने पिछले 15 दिन पहले उन्होंने घोषित किया कि भारत में धार्मिक लोकतंत्र नहीं है, ये बड़े अपमान की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का सर नीचे हो रहा है, तो मेरी सरकार से अपील है कि उस गलती को सुधारें। मौजूद हूँ गढ़वाल भवन में, यहाँ पर बहुजन समाज के कुछ गणमान्य लोग हैं और मेरे पीछे आप बैनर देख रहे होंगे जिस पर कई सारे मुद्दे लिखे हैं और खास कर से मुद्दा संविधान 40A को लेकर है। मैं सबसे पहले मिलवाता हूँ आपको, बहुजन समाज से आते हैं, बड़े ज्ञानी नाम है, नाम इनका है अशोक अज्ञानी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या जरूरत पड़ी है और क्या आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि देश में संविधान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है, और उस संविधान अगर ख़त्म होता है तो इसमें जो सबसे कमज़ोर तबके हैं, जिनको 26 जनवरी 1950 को इस संविधान लागू होने के बाद जो अधिकार मिले, पढ़ने के अधिकार, रोजगार करने के अधिकार, जमीन खरीदने के अधिकार, इज्जत से रहने के अधिकार, बराबरी, न्याय, समानता, जो इस देश में मिली वो सब चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी, फिर गुलामी की तरफ हम बढ़ चलेंगे, एक धार्मिक उन्माद इसमें पैदा हो जाएगा इस देश में। तो इसका बड़ा महत्व है, इसमें खाली SC ST को ही नहीं, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, मजदूरों को, तमाम देश के कम से हर 100% लोगों को इसमें न्याय मिला, उनको अधिकार मिला। और देखो, सबसे बड़ी बात यह कि जो परंपरागत जिस व्यवस्था को लाने चाहते हैं, उस व्यवस्था में जो जिस जाति में पैदा होता था उसको वही काम करने होते थे, पर थोपे हुए काम, और अगर वही बात होती तो हमारे चाय वाले मोदी जी, चाय बेचने वाले कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि वो चाय बेचते रहते हैं उस वाली व्यवस्था में जिस व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं कुछ लोग, और मोदी जी चुप बैठे हैं। अगर मोदी जी को सोचना चाहिए कि भाई मैं किसी भी तरह इस व्यवस्था में नहीं आ सकता था, इस प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, चाय बेचता रहता मैं, मेरी पीढ़ियाँ चाय बेचती रहती, क्योंकि वही काम करना पड़ता। और हमारे ब्राह्मण समाज को सोचना चाहिए कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तभी आप इस देश के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, नहीं तो जो वर्ण व्यवस्था में थे उसमें ब्राह्मण कभी भी राजा नहीं बन सकता था, शासक नहीं बन सकता था। तो इसीलिए ये देश का जो संविधान, जो योग्य है, जो मेहनत करता, जो ईमानदार है, वो एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से लेकर के राष्ट्रपति भी इस देश का बन सकता है। हमें अपना राजा चुनने का अधिकार मिला, डेमोक्रेटिक राइट मिले, वोट के अधिकार मिले, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, तो इतने भारी अधिकार हम आप जनता को बता रहे हैं, भाई अगर तुम अगर इस स्थिति में खड़े हो, महिला और अब ये SC ST और मजदूर, अगर तुम्हें कोई ये मिले अधिकार तो इस संविधान की वजह से इसको बचा लो। इसीलिए अब हमें संविधान 40A करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो ऐसा 40A कर रहे हैं कि जो 40A गुलामी, बहुमत नागरिकों को गुलामी की तरफ ले जाता है, उनके अत्याचार और शोषण की तरफ ले जाता है, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सर, जो आज ओहदे पे बैठे हैं वो संविधान की बदौलत बैठे जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज संविधान का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, संविधान का दुरुपयोग बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था, जो संविधान देश को दिया था, उनका आखिरी स्टेटमेंट था कि भाई ना तो कोई संविधान कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसको चलाने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं, तो एक अच्छा आदमी खराब संविधान को भी अपनी जननीति में बहुत अच्छे तरह से चलाएगा, और एक खराब अच्छा आदमी भी वो खराब उसको बुरा आदमी अच्छे कानून को भी बुरे तरीके से करेगा। इन्होंने अपनी इस पावर को अपनी विचारधारा लादने के लिए, जो इस देश की आर्मी है, पुलिस फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, जो इस देश की शक्ति है, उस शक्ति को इनको जनता के इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए थी, ये उस जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उस अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, SC ST के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, आए दिन आप देख रहे हो दलित भी पिट रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ बहिष्कार हो रहे हैं, 50 जूते, 5,000 रुपये जुर्माना, ये कौन सा किस तरह ऐलान किया जा रहा है, ढोल पीटे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, उनके साथ उनको पढ़ने से रोका जा रहा है, ठीक है ना, उनके बहुत सारा शोषण हो रहा है, मजदूरों के अधिकार खत्म करे जा रहे हैं। दूसरी बात, मजदूर जो इस देश का मेहनत करके इस देश को बनाता है, उसके जो लेबर लॉ खत्म करके उनको लेबर कोड में बदला जा रहा है, उनके सभी कानून बदले जा रहे हैं। तो ये जो संविधान है, बराबरी, न्याय, भाईचारे और समानता पर आधारित, उस संविधान को खत्म करके ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं इस संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी पावर्स को उसको दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होगा नहीं,
क्योंकि एक सीमा होती है उसकी बर्दाश्त करने की, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो आवाम होता है, जो नागरिक होते हैं, वो महाशक्ति होते हैं, उसके सामने कोई भी सरकार हो कोई महत्व नहीं रखती। सर, आपको लग रहा है और भी मंच इसमें सामने आएंगे, ST SC OBC, देखा जाए मुस्लिमों पे अभी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, वो एक तरफा इसको मान रहे हैं, क्या वो साथ आएंगे आपके? सर देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश के संविधान को मानता है, प्यार करता है इस देश के संविधान से और समझता है कि संविधान सबके लिए, वो हम समझते हैं कि हमारे साथ आएगा। कल जो हमारा जंतर मंतर पे धरना पर हमने जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में गुर्जर समाज के, OBC समाज के माननीय विजय कसाना जी भारतीय वीर दल के, उन्होंने आके समर्थन दिया। उसमें SP पांचाल साहब जो विश्वकर्मा समाज के, OBC समाज के हैं, न्याय पार्टी के, उन्होंने आके समर्थन दिया। और तो और शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मंगतराम मुंडे जी ने आकर के, शिवसेना ने यहाँ पर आकर के हमें समर्थन दिया। और उन्होंने कहा, उनके MPO ने भेजा है, 22 MP हैं, कि हम उठाएंगे इनकी बात को संसद में उठाएंगे। और दूसरी बात, कल मोहम्मद रफीक अहमद साहब जो INL जो पार्टी है उसके, वो वहाँ पर प्रतिनिधि वहाँ पर आए, उन्होंने समर्थन दिया। तो SC ST OBC अल्पसंख्यक तो अपने आप में हो गए ना, एक तरह से हो गए और बढ़ते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कल जो हमारे प्रोग्राम में जो मीडियाएँ चली, जिसमें चल रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, एक से एक उसमें मैसेजेस आ रहे हैं, मुस्लिम भी मैसेज कर रहे हैं, OBC भी कर रहे हैं, यादव साहब भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि भाई ये संविधान 40 चलना चाहिए, हम समर्थन। सर मेरा एक सवाल, सर ये हनुमान 40 भारी पड़ रही है क्या? नहीं नहीं, कभी पड़ी नहीं सकती। हनुमान 40 अगर भारी पड़ती तो भारत का संविधान 40 ही बनता ही नहीं कभी, क्योंकि वो इसलिए नहीं भारी पड़ सकता क्योंकि वो जो संविधान 40 की आड़ में ये छुआछात, भेदभाव, शिक्षा को से वंचित रखना, रोजगार से वंचित रखना और बुनियादी अधिकारों से, यहाँ तक कि इंसान होने के बुनियादी अधिकार से भी वंचित करता है वो जो हनुमान 40 की व्यवस्था है। और जो संविधान 40 की व्यवस्था है वो इंसान को मानव का वो देता है, महत्व देता है, और उनको शिक्षा, रोजगार, हर संविधान, मतलब उसको पूरी आज़ादी है जो संविधान के दायरे में रह के एक नागरिक के अधिकार होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट होते हैं, उनको वो अधिकार। सर, हनुमान 40 पढ़ने की होड़ हो रही है आजकल, लोग चौराहे पे कर रहे हैं, मस्जिदों के सामने कर रहे हैं और अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्या यही है? नहीं देखिए, वो तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि भारत के संविधान ने इस हनुमान 40 को भी पढ़ने की इजाज़त दी है, मगर शांतिपूर्वक तरीके से और अपने मंदिरों में, अपने घरों में, जो जिसको मानता है। उन्होंने कभी नहीं कहा आर्टिकल 25 में, 26 में, 27 में, भारत के इन अनुच्छेदों में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कोई धर्म का आदमी दूसरे के उसमें गिरजा में या उसके मस्जिद में या उसकी आस्था के केंद्र में जाकर के अपनी बात को थोपेगा, पढ़ेगा, झंडे लगाएगा उनके ऊपर, या उनके इलाकों में जाकर के उनके साथ गुंडागर्दी करेगा, अपने धर्म को थोपने की बात करेगा, तो या अपने किन्हीं मानने वालों की जय जयकार करेंगे, बिल्कुल गैर संवैधानिक है इसीलिए। और देखो, यहाँ भी होड़ लगी है, आप देखो ना, कल से दिल्ली में पूरी होड़ लगी है संविधान 40 की, कल जंतर मंतर से लेकर, और आप गढ़वाल भवन तक देखो, क्या दिखाओ अपना कैमरा, पूरे तमाम ये संविधान 40 पढ़ने वाले, ये भी लोग दीवाने हैं डॉक्टर अम्बेडकर के, संविधान के, भारत के दीवाने। और अभी आपको जानकारी दे दें, 24 तारीख को हमें मैसेज आया, देखिए क्या होड़ लग गई, 24 तारीख को सेक्टर 17 चंडीगढ़ में संविधान 40 रख दिया, हमें निमंत्रण आया, और अगले महीने इसमें जून में वहाँ पर मुरादाबाद में रख दिया हमारे साथियों ने, वो फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं, हम जानते भी नहीं, आइए जी संविधान 40 यहाँ पढ़ेंगे। तेलंगाना से मैसेज आ गया, उत्तराखंड से मैसेज आ गया, मुंबई से मैसेज आ गया, ये हमारे कल शुरू करने से पूरे देश में संविधान के मानने वाले संविधान 40 करने को तैयार हो गए। और पूरा आप देखोगे अगले धड़ाधड़ हर जगह संविधान 40 ही पढ़ा जाएगा, महिलाएँ पढ़ेंगी, SC ST पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक पढ़ेंगे, OBC पढ़ेंगे, और यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज भी पढ़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज तभी इस देश का शासक बन पाया जब पहला शासक वही बना संविधान लागू होने के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ब्राह्मण और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो ब्राह्मण जब ही बन पाए शासक, जब भारत का संविधान लागू हुआ, नहीं तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण कभी इस देश का शासक नहीं बना। इसलिए ब्राह्मणों को भी हमने अपील की, चिट्ठी भेजी कि भाई आपको ज़्यादा जरूरी है इसको बचाना, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। मैंने अभी तो वो मैसेज तो खैर नहीं आया, लेकिन वो सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं या जिस डाली पे हम बैठे हैं उसी को खुद काट रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ आपके मन से, जैसे SC ST OBC सब यहाँ पर हैं, बहुजन समाज के लोग, क्या ब्राह्मण भी जुड़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल जुड़ेंगे, लेकिन अभी तक हमारा विरोध भी किसी ने नहीं करा, लेकिन अच्छा। वो जुड़ेंगे हमारे साथ, और वो क्या सारे ही लोग जुड़ेंगे,
क्योंकि ये सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? देश की सरकार से मेरी ये अपील है कि जो इस तरीके देखो संविधान को लागू करो आप धर्म के मामले में आर्टिकल 25 नहीं लागू नहीं है ना। देखिए संविधान बाबा साहब ने कहा था कोई भी संविधान अपने आप ये तो किताब है ये अपने आप लागू नहीं होगी, जो इस देश के नेता होंगे इस देश की सरकारें कर्णधार होंगे जिनके हाथ में देश की सत्ता होगी उनके जिम्मेदारी होगी निष्पक्ष रूप से और बिना भेदभाव के ईमानदारी से संविधान को लागू करें। आप खाली धार्मिक उसमें सिर्फ आर्टिकल 25 को लागू कर दो संविधान में। अच्छा। आर्टिकल 25 को लागू कर दोगे तो सारे जो हमारे देश की धर्म निरपेक्ष छवि है जो इसकी बुनियाद है धर्म निरपेक्ष छवि सारे धर्मों का मान सम्मान उनकी सुरक्षा उनकी बराबरी उनकी आज़ादी सब बराबर हो जाएगी और ये देश पूरी दुनिया में एक महान कहलाएगा। और देखिए इन अमेरिका ने कितने शर्म की बात है इन चंद उन्मादी लोगों ने मैं सरकार से कहूंगा हाथ जोड़ के विनती है मेरी भारत सरकार से कि अमेरिका ने पिछले 15 दिन पहले उन्होंने घोषित किया कि भारत में धार्मिक लोकतंत्र नहीं है ये बड़े अपमान की बात है राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का सर नीचे हो रहा है। तो मेरी सरकार से अपील है कि उस गलती को सुधारें और जो भी ये उन्मादी हैं इन उन्मादियों को सबक सिखाएं जेलों में डालें और आर्टिकल 25 को भारत के लागू करें जिससे कि तमाम धर्मों को धर्म की स्वतंत्रता समानता न्याय और सुरक्षा मिले।